हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू DIY टू Z। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारे किसी भी टूल में हम हैंडल कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा कार्विंग गॉज है जिसे लकड़ी की कार्विंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये गॉज 12 mm का है और बहुत ही हार्ड स्टील से बना हुआ है। और ये दूसरा वाला जो है वो 25-26 mm का है और बहुत ही हार्ड स्टील से बना हुआ है। मैं आपको टेस्ट करके वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि इसका मटेरियल जो है बहुत ही डेंस है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं वो है एक चीज़र जो कि 8 mm की है। इन तीनों को मैंने लोकल हार्डवेयर स्टोर से परचेज़ किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसका हैंडल भी मैं लाया हूँ जो कि लकड़े का है और लास्ट में रिंग है जो लकड़े को स्प्लिट होने से रोकती है क्योंकि हम हैमर से इसको हीट करते हैं तो ये लकड़ा स्प्लिट ना हो। तो लकड़े के जो हैंडल है वो बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग वाले और बहुत ही मजबूत है। और ये प्लास्टिक वाला है, HDPE प्लास्टिक से बना हुआ, तो ये हैंडल भी बहुत मजबूत है। तो चलिए अब लकड़ी के हैंडल की बात करते हैं। तो हमें टूल की टेल है वो होल में थोड़ी सी डालनी है, 2-3 बार हैमर से हिट करना है हल्का सा ताकि वो टेल अंदर टिकी रहे। उसके बाद पूरी टेल घुसाने के लिए हमें लकड़े के हैंडल को पकड़ना होगा और हम हैमर से हिट करेंगे तो जो टूल की जो ग्रेविटल फोर्स है वो उसको अंदर घुसाएगी क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में इसको हिट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका पूरा जो टूल है वो अंदर चला जाएगा और एकदम अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। हिट के साथ आपका हाथ भी हल्का सा उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर नहीं कि आप हाथ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखोगे तो टूल बाहर निकल के गिर जाएगा क्योंकि ऐसा करने पर रिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होती है और टूल बाहर निकल जाता है। चलिए अब प्लास्टिक के हैंडल की बात करते हैं। तो इसके टूल की टेल को हमें थोड़ा सा गर्म करना है, हल्का सा इसको गर्म करेंगे, ज़्यादा रेड हॉट नहीं करेंगे वरना इसकी जो टैम्परिंग है वो चली जाएगी। तो चिजल की तेल को हम थोड़ा सा गर्म करके हैंडल के अंदर थोड़ा प्रेस करेंगे ये तो बहुत आसानी से ये हैंडल में चला जाएगा क्योंकि ये HDPE प्लास्टिक है तो गर्मी की वजह से ये धीरे धीरे पिघल के एक मोल्ड क्रिएट कर लेता है तेल के हिसाब से। तो गर्म करके हम इसको प्रेस करेंगे तो अंदर का जो पूरा प्लास्टिक है वो नर्म हो जाएगा और टेल के हिसाब से पूरा शेप क्रिएट कर लेगा और हैंडल की टेल है जो एकदम अच्छे से फिट हो जाएगी। नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्लास्टिक जो है वो बाहर तक मेल्ट हुआ है, पूरा बाहर निकला, मतलब अंदर कोई गैप ही नहीं है, पूरी अच्छी तरह से इसकी फिटिंग हुई है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में मैं स्टील की हार्डनेस आपको दिखाऊंगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक पाम ट्री का एक छोटा सा पीस है और ये फाइल सैंडल, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज के आपको दिखाता हूँ कि ये फाइल सैंडल जो है वो एकदम तेज है। आपको दिख रहा होगा कि पूरा इसमें गैप बना दिया इसने, ठीक है। बहुत ही तेज फाइल है ये। तो ये जो है टूल, अभी मैंने इसको शार्पन नहीं किया तो मैं इस पर ट्राई करता हूँ क्योंकि ये तीनों एक ही जगह से खरीदे हुए सेम ब्रांड के हैं, ठीक है। तो आप इसकी लाइनिंग देखिए कहीं आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं कि किस डायरेक्शन में इसको घिसा हुआ है, नहीं आ रहे हैं। तो हम इस मोशन में इसको फाइल करेंगे और देखेंगे कि कुछ क्रैचेस बनते हैं या नहीं, ठीक है। चल ट्राई करते हैं। ना तो काफ़ी होता है कोई भी माइल्ड स्टील के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई स्क्रैचेस नहीं है। उस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि कोई स्क्रैच ही नज़र नहीं आ रहा है। मतलब फाइल सेंडर से ये स्टील जो है वो हम घिस नहीं सकते, ये बहुत ही हार्ड स्टील है। तो इसको शार्पन करने के लिए हमें शार्पनिंग स्टोन या डायमंड स्टोन ही यूज़ करना होगा, इसके अलावा इसका मटेरियल लूज नहीं हो सकता है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसको कैसे शार्पन किया जाए। So guys, thanks for being with me throughout the video and I really do hope you like it. अगर ये वीडियो